आज से 75 साल पहले अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। इन दोनों ही शहर हिरोशिमा और नागासाकी में इस हमले के दौरान लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। विश्व के इतिहास में ये पहली और आखिरी बार हुआ था कि किसी एक देश ने किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया था। इस हमले के लगभग 16 साल के बाद यानी कि वर्ष 1961 में सोवियत संघ, जिसे फ़िलहाल हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं, इसने बिल्कुल एक ऐसे ही बॉम्ब का परीक्षण किया था। लेकिन इस बॉम्ब की खासियत ये थी कि ये पिछले बॉम्ब से लगभग 3,300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। जापान की आबादी उस वक्त, इस हिरोशिमा और नागासाकी पर जब हमला किया गया था, उस वक्त जापान की आबादी लगभग 7.5 करोड़ थी। और इस बॉम्ब की क्षमता को कुछ इस प्रकार से हम लोग नाप सकते हैं कि ये जो बॉम्ब था जिसे सोवियत संघ ने परीक्षण किया था, इस बॉम्ब के द्वारा जापान की आबादी को लगभग 3 बार मारा जा सकता था। यानी कि लगभग 22.5 करोड़ लोगों की इस बॉम्ब से मौत हो सकती थी। फिलहाल अपने स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉम्ब की तस्वीरें हैं। कुछ साल पहले तक रशिया के द्वारा इन तस्वीरों को प्राइवेट रखा गया था, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही इन्हें पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, इन साइट्स को, जिससे कि आप उनकी उस समय की ये सारे वीडियोस को देख सकें। इस बॉम्ब को ज़ार बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। रशियन भाषा में ज़ार का मतलब होता है राजा, यानी कि इस बॉम्ब को हम लोग किंग बॉम्ब के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये बॉम्ब जो है ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। यानी कि इस बॉम्ब की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब सवाल उठता है कि इतने खतरनाक बॉम्ब, यानी कि जो कि पिछले बॉम्ब से भी लगभग 3,300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बॉम्ब को आखिर ज़मीन पे गिराया कैसे जाएगा? तो इस बॉम्ब को हवाई जहाज़ के द्वारा पैराशूट की सहायता से ज़मीन से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है। अब जिस हवाई जहाज़ से इसको गिराया जाता है, उस हवाई जहाज़ को भी इसके दायरे से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बॉम्ब फटेगा तो ये अपने इलाके के लगभग 1,000 किलोमीटर को अपने चपेट में लेने की क्षमता रख सकता है। यानी कि इस बॉम्ब से लगभग इस इलाके के लगभग 1,000 किलोमीटर का जो इलाका है वो प्रभावित हो सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। न्यूक्लियर मशरूम भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये बॉम्ब फटता है तो इससे जिस प्रकार का धुआं या जिस प्रकार की रोशनी निकलती है वो कुछ ब कुछ मशरूम का आकार ले लेती है। ये बॉम्ब के फटने के कुछ ही सेकंड्स में ये आसमान में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी को अपने कब्ज़े में ले लेती है, और अगर ज़मीन की बात करें तो लगभग 90 से 95 किलोमीटर को ये अपने कब्ज़े में कर सकने की क्षमता रखती है। आग की लपटें जो है वो तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर 30 किलोमीटर से 60 से 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। खास बात यह है कि इस हाइड्रोजन बॉम्ब का असर जो है वो लगभग 1,000 किलोमीटर तक देखा जा सकता है, और ये आकार में लगभग 26 फीट ऊंचा होता है, और अगर वज़न आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इसकी, क्योंकि इसका वज़न जो है ये लगभग 24,000 किलो इसका वज़न होता है। यानी समझ लीजिए कि ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो है फ़िलहाल विश्व के सिर्फ 6 ही देशों के पास है। ये 6 देश है, रशिया, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया और साउथ कोरिया। इन 6 देशों के पास ही ये हाइड्रोजन बॉम्ब फ़िलहाल मौजूद है, और जिस समय ये परीक्षण किया गया था उस समय रशिया और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध यानी जिसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं, कोल्ड वार के समय किसी भी प्रकार के हथियारों से युद्ध को नहीं लड़ा जाता है, बल्कि अपने हथियारों की क्षमता को दिखा के एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना आतंक बनाए रखने का काम करता है। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर इस बॉम्ब से हमला करता है तो 1,000 किलोमीटर में अगर आप उस दायरे में आते हैं तो ये बॉम्ब आपको, हमें, हम
सभी को प्रभावित कर सकता है, इस बॉम्ब को का असर जो है वो हमारे तक पहुंच सकता है। तो आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, सबको पता होना चाहिए। और साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले आपके साथ ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।